पापा। देखो कैसे वो सूंघेगा, पहले सूंघेगा। ये क्या है? इधर आ जाओ पापा। ओह माय गॉड, ये इतना क्यूट है। ये बहुत ही सोशल है, कोई इससे प्यार कैसे नहीं कर सकता। पापा एक बहुत ही अच्छा कैट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट और चिल्ड है। क्या ये वाकई उतना बुरा है जितना तुम्हारी मॉम बताती है? नहीं, वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं। बढ़ा कर बोलती हैं? अच्छा ठीक है। ओके, वैसे इसकी एज क्या है? ये 10 महीने का है। ओ, सिर्फ 10 महीने? हाँ। इसलिए इतना छोटा दिख रहा है। पापा एक टीनेज लड़के की तरह है, जिसका मतलब है जब वो सोता है तो क्यूट लगता है, लेकिन जब वो जागता है तो आतंक मचा देता है। यहाँ पर इसका लिटर बॉक्स कहाँ पर है? हमने 2 महीने के लिए रखा था, फिर मम्मी कंप्लेंट करने लगी कि बहुत बदबू आती है और वो उसे हर रोज साफ नहीं करना चाहती। वाओ, ये परेशानी की बात है, क्योंकि एक कैट जो बाहर रहता है उसकी जिंदगी बहुत कम होती है एक इंडोर कैट के मुकाबले। क्या देख रहे हो? ओ, किसे देख रहे हो? ओ, ये कौन है? मंचकिंस। हाँ, ये बहुत कौन ही प्यारा है? बहुत ही अच्छा है। ये किसी की कैट है? पता नहीं किसी का बिल्ला है या नहीं, मगर यहाँ हर रोज आता है। हे बड़ी, मंचकिन और पापा बाहर एक साथ घूमते हैं? हाँ, ये हर रोज एक साथ खेलते हैं। मंचकिन पापा का इंतजार कर रहा है ताकि वो बाहर आकर खेल सके। वो कह रहा है पापा प्लीज बाहर आओ। ओके, काश मंचकिन भी तुम्हारे साथ रह पाती। क्या लगता है कि तुम्हारी मॉम अलाउ करेंगी? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मेरी मॉम इसे ही मुश्किल से रख रही हैं। पूछना तो बनता ही था। ओके, सब कुछ तो नहीं मिल सकता, पर सच कह रहा हूँ कि मंचकिन भी एक बहुत क्यूट कैट है। मंचकिन भी जंगली नहीं है, वो बहुत सोशल है, एक कम्युनिटी कैट है, का मतलब है कि वो आसपास के नेबरहुड में ही रहती है।